आपको लगता नहीं कि आपको किसी म्यूजियम में होना चाहिए? क्योंकि सारी नयाब चीजें वहीं पे होती है ना। जी कोई, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ना जरा नजर नहीं आता, मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे ना जरा हाथ पकड़ ले, मेरी स्टिक बेसिकली ना रह गई है कहीं पे, तो जरा मुझे बता दीजिएगा किस साइड पे जाना है। ब्लाइंड है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाला। तो मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ, मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई है मुझे। इसमें रोने वाली क्या बात है? और मैं हंसू, दमाल डालू? एक ही एक क्यों है? एक ही एक मेरी आखिरी उम्मीद थी, मुझे इतना प्यार था उससे, धोखा दे गई, छोड़ गई मुझे। आप तो ना आ जाएगी वापस। मुझे उसकी बहुत याद आएगी, मुझे नींद नहीं आएगी उसके बगैर। मैं रातों को इतनी देर देर तक उससे बातें करता था, छोड़ के चली गई है मुझे। आप मेरी हेल्प करेंगे छोटी सी? बताएं। मेरी फ्रेंड बन सकती हैं? मैं असल में ना उसको जेलस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ना दिखा सकूँ कि देखो तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुम गई हो तो एक और आ गई है। बस और कोई मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ मैं उसको जेलस करना चाहता हूँ। प्लीज़ मना मत कीजिएगा। आप अगर मेरी हेल्प करेंगे हो सकता है वो वापस आ जाए। जी तो प्लीज़ मना मत कीजिएगा, आप मेरी फ्रेंड बन जाए। बन जाएंगी ना फ्रेंड? बन जाएंगी ना? मना तो नहीं करेंगी ना? नहीं। किसी की हेल्प हो जाएगी तो और क्या चाहिए? जाहिर सी बात है। जी थैंक यू सो मच कि आप मेरी फ्रेंड बन गई हैं, आप मुझे समझ रही हैं। जी एक बात कहूँ आपसे? हाँ जी। मैं ना आपकी आँखों में डूब रहा हूँ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। जी मैं आपके ना कशिश ही आपके अंदर इतनी है कि मैं आपकी आंखों में डूब रहा हूँ। समझ नहीं आ रही पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ना आपको लगता नहीं कि आपको किसी म्यूजियम में होना चाहिए? क्योंकि सारी नयाब चीजें वहीं पे होती है ना। जी आपको नहीं लगता? क्या हुआ, हंसी रही हैं आप? हंसी जा रही हैं। मुझे ना एक बात की वैसे खुशी है कि मुझे स्विमिंग आती है, नहीं तो मैं आपकी आंखों में डूब जाता। जी वो आपसे मैंने एक बात पूछनी थी, आपने वो सॉन्ग सुना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? हाँ जी सुना है। सुना है ना, लगता वो आ गई है और मेरे साथ बैठी हुई है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आए ऋतु मस्तानी कब आएगी? काफी बातें में दानी आती है। खैर ये छोड़े, क्या करती हो? जी क्या करती? कुछ भी नहीं, मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। जी वो प्यार अंधा होता है ना, लेकिन यहाँ पे बेड़ा ही गरक है। वो आपसे बस अचानक ही एकदम से प्यार हो गया, मुझे लगता कि शायद वो छोड़ गई है ना। अच्छा है वो छोड़ गई है, वो एक बहाना बनना था आपसे मिलना और बैठना और हम फ्रेंड्स बनते, फिर हम अपने बच्चों के नाम डिसाइड करते, तो एक बहाना था। जी वो एक बहाना था ना, तो इस वजह से बस। तो यार आप वीडियो एंजॉय कर, लेकिन इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे यार, क्या कर रहे हो? आईडी शो हो रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको मज़े मज़े की अपडेट्स मिलती रह करें। अच्छा वो ना मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था, तो वो बाज़ूकात ना गलत हो जाता है इस तरह, तो फिर मैं सोच रहा था कह दूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको बुरा ना लग जाए। बुरा मनाने वाली बात हो तो फिर बुरा लगेगा।
नहीं वो बात कुछ ऐसी है ना कि बुरा तो नहीं मानेंगी ना, मैं कह दूँ आपको? हाँ जी बोले। वो आपका नंबर मिल सकता है? जी नहीं, वो मैं आपको बैलेंस करवा के दिया करूँगा ना। नहीं ज़रूरत नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, हम रात में बात कर लिया करेंगे, ज़रा थोड़ा टाइम जब फ्री हो तो बंदा बात कर लेता है, ज़रा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ज़रा। हाँ। इस वजह से फ्रेंड्स ही हम, फ्रेंड्स के तौर पे, फ्रेंड्स में आपस में नंबर होता तो है। हाँ। दे दें, इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? नोट करवा दें, करूँ नोट? हाँ। बोले हाँ, जी हाँ, जी ओके थैंक यू। वो मैं ना ज़रा कुछ और बातें भी है ना, वो मैं आपको मैसेजेस पे बता दूंगा कि जो भी बात होगी। मेरे से ना मतलब फेस टू फेस बोला नहीं जाता, तो एक्चुअली ना मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं चाह रहा था हम कहीं पास में ना एक ये कैंटीन है तो वहाँ से कुछ खा लेते। हाँ आप जाके ले आए हैं? नहीं वो खा लेते ना वहाँ से, वहीं हम बाहर चले जाएंगे। मैं एक्चुअली ना चाह रहा था कि मेरे साथ जाने वाला होता कोई, अब वो आपको बताया कि वो तो छोड़ गई है, तो फिर मैंने ये सोचा कि आप मेरे साथ हैं। अकेले जाके खाने का मज़ा नहीं आता ना, आप साथ चल लेती तो ज़रा अच्छा लगता, दोनों बैठ जाए। बेश आप भी खा लीजिएगा मेरे साथ। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है तो वैसे ही आप बैठ जाइएगा, साथ बैठ जाइएगा तो कुछ बातें वगैरह कर लेंगे। चलें वो उठें। अच्छा मेरी बात सुने, वो मैं आपसे ना वो आपको कुछ कहना चाह रहा था, मैं बात सुन ले वहाँ नहीं ना, वो यहाँ पे कहना लाजमी थी। हाँ, वो मैं ये कहना कोई मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे ना ज़रा नज़र नहीं आता, मैं ब्लाइंड हूँ, तो मुझे ना ज़रा हाथ पकड़ ले, मेरी स्टिक बेसिकली ना रह गई है कहीं पे, तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा किस साइड पे जाना है। ब्लाइंड है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? वो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप मेरी सुनी नहीं रही थी, आप कह रही थी वहाँ जाके बता देना वहाँ जाके, तो इस वजह से वो मुझे ज़रा बता दें कैंटीन किस साइड पे है, ज़रा नज़र नहीं आता ना। हाथ पकड़ लें, हाथ पकड़ के चलते हैं। हेलो किधर हैं आप बताएं? मैं आ रही हूँ बाहर ही, बस आ रही हूँ मैं। आप मेरी बात सुन लें ना, मुझे ले तो जाएं, मुझे कैंटीन तक कौन छोड़ेगा? मेरी बात तो सुन लेती हैं आप, कहाँ जा रही हैं, कहाँ गई? बात तो सुन लें इधर, मेरी बात सुन लें। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं ना अंधा नहीं हूँ, मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। तो फिर ये क्या था? वो मैं ना मजाक कर रहा था, वो आपको देर नहीं हो रही, आपको लेने नहीं आए थे? लेने तो आए हैं पर मतलब ये क्या था समझी नहीं मैं ना मजाक कर रहा था आपके साथ ना, ना मुझे कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है और ना मैं अंधा हूँ, और ना मैं मजाक कर रहा था। बेसिकली ना मेरा यूट्यूब चैनल है हिट प्रैंकस्टर के नाम से, सामने कैमरा लगाया हुआ, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, फनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैं हम वैसे फ्रेंड थे लेकिन मैं ब्लाइंड नहीं हूँ। आपका क्लिप यूज कर लूं? सॉरी कुछ बुरा लगा, तो कोई ऐसा वैसा मकसद नहीं था।